Larry, check the check. यानी हम अभी यहाँ हैं।
यस पहाड़ी पर सर। अरे तो बगल में पतली सी लाइन दिख रही है, हमारी बाई तरफ एक स्ट्रीट नहीं चली नहीं। शरद सर जाओ चेक करके आओ। जी सर सुनो। बी केयरफुल, ज्यादा दूर मत जाना सर। अगर शरद की स्ट्रीट मिल जाती है तो कंफर्म हो जाएगा यहाँ है। एग्जैक्टली सर। फिर आगे हमें इस डायरेक्शन में चलना होगा। नहीं राइट। लेकिन सर यहाँ तो बहुत गहरी खाई है। नीड टू बी केयरफुल, हमें सावधान रहना होगा। बॉयज आप लोगों ने कुछ खाना नहीं खाया हो तो खा लीजिए। अगले 25 से 30 किलोमीटर तक जब तक हम मदरबेस नहीं पहुंच जाते हम नहीं रुकेंगे। यस सर। लेट्स ऑल बी रेडी टू मूव। सर शरद की आवाज है। बॉयज पोजीशन। है सर ने क्या किया वहां से? सर नदी है सर। डफर। अरे डफर नहीं सर, नदी है। विशोन नदी। मीटर सामने तो कहा था मां छोटी सी स्ट्रीम होनी चाहिए। आपके हाथों के इशारे से तो लग रहा है मैं पूरा हिंद महासागर में ही है। विशुन नदी इतना जोर है। कमांडो पाले से और আপনালোকৰ এৰিয়াৰ জংঘলৰ প্ৰত্যেকটো আহত বিচাৰি নিৰ্মূল কৰক। চাৰ্জ দিয়া কিল দে অল্পকা হাই কমান্ড কা ইনফৰমেশ্যন হে উনকে সাড়ি ইউনিট থি কেহে কি ইণ্ডিয়ান ডগছ নে উনকে সবসে বড় হাতিয়াৰ সে বড় গুদাম ব্লাষ্ট কৰ দিয়া হে উনকে লিয়ে বহুত হি বড়ি নুকচান হে। কুছ লোগ কো তো উনহনে মাৰ গিৰা হে অৰ কুছ লোগ হামাৰে তৰ জংঘল মে ভাগ কে আয়ে। উসি লিয়ে সাৰি ইউনিট কে লিয়ে ইনফৰমেশ্যন হে কি হম জহাঁ পে ভি দিখে ওহি পে হমে মাৰ দিয়া যায়। सर अब हमें यहाँ से मूव कर लेना चाहिए। सर पूरे दिन अंधेरे का इंतजार करना बिल्कुल ठीक नहीं आएगा। नहीं क्या आप हमें शाम होने का इंतजार करना होगा। उजाले में निकलना तो उससे भी खतरनाक है। अमीन भाई हमें से एक बंदा उस ऊंचे पेड़ पे जाकर बैठेगा और दूरबीन से वॉच करेगा। दुश्मन की कोई भी खबर हो तो फौरन अलर्ट सिग्नल देगा। हमले का अलर्ट सिग्नल है 3 बार रोमिंग की आवाज इस तरह से। गॉट इट सर। राठी सबसे पहले तुम जाओगे वॉच करने। गो। ओके सर। कांगो शरद आप भी चलिए। चलिए भाई क्या शाही जिंदगी अपनी भी टट्टी भी करते हैं तो बंदूक की छाव में। और राठी इधर आ। आर्मी के बारे में इतनी गंदी करना, इतनी गंदी बातें लाता कहाँ से है? सर हमारे हरियाणा में ऐसी बातें होती हैं। आगे सर क्या है उल्फा है नहीं आर्मी है इंडियन आर्मी है इंडियन डॉग्स के बोला मेरे क्वेश्चन का अवॉइड
कौन सा क्वेश्चन सर? यही कि तुम अपने चिल्ड्रन को आर्मी में भेजेगा या नहीं? अब सर ये क्यों पूछ रहे हैं सर आप? सी बाय द वे तुम्हारे ग्रैंडफादर आर्मी में थे, पिताजी भी आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट जनरल के रिटायर भी हुए। तुम अपनी तीन बहनों का अकेला भाई, फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको आर्मी में भेजा। ग्रेट, बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए सोचा कि शायद हाँ हाँ सर हाँ शायद 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 क्यों डेफिनेट क्यों नहीं? अब सर जाने भी दीजिए सर आप ये। नो 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 बोलो बोलो ना। आपको पता है सर पार्टीशन से पहले मेरी मदर के तीनों भाई पाकिस्तान चले गए। उन लोगों को यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, बस बस ऐसे ही वहां जाके उनको नौकरियां भी ऐसी मिली, एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस में, एक वहां की आर्मी में और एक एटॉमिक एनर्जी प्लांट में। उन तीनों के प्रोफेशन की वजह से ना ही कभी उन्हें इंडिया आने का वीजा मिला और ना ही कभी हमें अपने आर्मी बैकग्राउंड की वजह से वहां जाने की इजाजत। पर इस सब की हमें कोई शिकायत नहीं है सर। लेकिन लेकिन जो लोग यहां रुक गए उन्होंने तो मुल्क अपनी मर्जी से चुना था। हमारा मुल्क हमारे मजहब से कहीं बढ़कर है, पर अगर ऐसे खराब होने के बावजूद आज हमें यह एहसास कराया जाए कि हमारा मजहब हमारे माथे पर एक बंदूक आदाब है, तो फिर हम अपने आने वाले नस्लों को ऐसे पेशे में क्यों डाले सर? क्यों? जहां वो तरक्की की सबसे ऊंची सीढ़ी पर इसलिए नहीं चढ़ सकते क्योंकि उनका नाम हसनैन है। हसनैन 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 एनी प्रॉब्लम क्या? नथिंग नथिंग इधर आओ। गाड़ी में पैर पे बैठ गया? अरे सर बैठ तो गया है लेकिन उसका तो आपको पता ही है, जब हम वापिस आ रहे थे तो कहता मुझे आ रही है, पेड़ पर चढ़ गया, कहता मैं ऊपर से कर लूंगा, मुझे गार्ड करने की जरूरत नहीं। गाड़ी इज रियली अ जोकर। सर एक बात कही थी आपसे करो भाई, आप ये जो हाथ में लाल रुमाल बांधते हो वो किस लिए सर? अरे ये तो मेरी माँ ने दिया मुझे, उसको किसी बाबा ने बोला कि अगर ये हमेशा मेरे पास रहेगा ना तो मुझे कुछ नहीं होगा, मतलब अगर गोली मेरी तरफ आई तो जुप करके साइड से चली जाएगी, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर। एक रुमाल मुझे भी दे दीजिए सर। ये ले जरा रुमाल। मुझे पता है मेरी जब भी उनसे बात होती है ना तो और कुछ पूछे ना पूछे ये जरूर पूछती है, बेटा रुमाल रखे हुआ है। और सर पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाती है, पर लॉजिक ना पापा ना बिल्कुल जीरो। और सर रोने में भी मेरी माँ का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब। जब घर जाता हूँ तब रोती है, जब घर से आता हूँ तब भी रोती है, जब फोन करता हूँ तब रोती है, जब फोन नहीं करता तब तो रोती है। मेरी तो माँ ही नहीं सर। I'm sorry सर, मैं बहुत ही अच्छा पापा ने मुझे पाला, बहुत प्यार से पाला, कभी तो उससे शादी भी नहीं की, सबने बोला शादी कर, मेरे पापा ने बोला नहीं मैं शरद को पालेगा। माँ के बारे में तो इतना ज्ञान है, वाइट साड़ी पहनती है, उसमें एक रेड कलर का बॉर्डर, एक रेड कलर का मोहब्बत का रंग, पैशन का रंग। अच्छा सर आप भी तो अरे हाँ भाई 10 साल से हाई स्कूल से तुम्हें शादी क्यों नहीं की? अबे छुट्टी मिले तब ना। मेरी माँ तो सारी तैयारी कर रखी है, इस बार जब घर जाऊंगा ना स्टेशन से ही बाला। लेकिन जिम्मेदार शरद है, आई थिंक यू ऑल्सो हैव अ गर्लफ्रेंड राइट? हाँ सर, सर उसकी नाम है सुपर्णा। सुपर्णा सर, उसका फेस एकदम वाइन है, एकदम
एकदम फुल मून जैसा वही दर्द ऐसे फेस ही है ना फुल मून भाई पता चला पूरी बॉडी फुल मून साइज बस सिर्फ वो भी मोस्टली रेड कलर ही पहनती अच्छा सर हाँ आपका फेवरेट कलर कौन सा मेरा भी फेवरेट कलर वही है जो तुम्हारी फुल मून का है लाल सुर्ख और मेजर साहब आपका मेरा भी फेवरेट कलर किसी जमाने में लाल ही था अभी नहीं सर नो नेवर पर क्यों सर इतना खून जो देख लिया चाहे दुश्मन के बदन से हो या अपने साथियों के बदन से या फिर अपने बदन से एक समय था जब लाल रंग कितना खूबसूरत लगता था उगते हुए सूरज का लाल रंग रेशमा के उजले गोरे माथे पर लगे हुए सिंदूर का लाल रंग मानो वो सब लाल रंग खून में बदल गया श्रीनगर में हम आतंकवादियों पर हमला करने गए थे कि अचानक हमारे सामने 14-15 साल के लड़के खड़े हो गए जो लड़का सबसे आगे था उसके हाथ में ग्रेनेड था और मैंने देखा वो डर के मारे थर थर कांप रहा ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी डर के मारे उसका पेशाब निकल गया मैं सोच ही रहा था कि उसे कैसे मारूं कि पीछे से ऑर्डर आया शूट और मैंने गोली चला दी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई मानो कि मुझसे पूछ रही होगी क्यों मारा मुझे कितनी रात सो नहीं सका अंधेरे में उसकी आंखें नजर आती थी आर यू ऑलराइट सर Yes, I'm fine. लेकिन अब नहीं क्योंकि अब समझ आ गया कि मारोगे नहीं तो मार दिए जाओगे इसलिए लाल रंग से नफरत होगी मुझे बिल्कुल ठीक कहा सर आपने अरे दुश्मनों से लड़ना कोई बात होती है अब तो अपने देशवासियों से लड़ना पड़ता है बड़ा कंफ्यूजन होता है सर छोटा छोटा बच्चा लोग आतंकवादी बन जाता है और हमें उनको शूट करने का ऑर्डर भी मिलता है अरे कृष्णन पूरी बहादुरी के इरादे पूरी आर्मी की ट्रेनिंग सब सब इसी पे आके खत्म हो जाते हैं कि अब तुम्हें बच्चों को भी भूनने के ऑर्डर मिलने लगे अरे आजकल तो यहां तक के ऑर्डर मिलने लगे हैं कि अगर सिविलियन टेररिस्ट के साथ है तब भी मारो सिविलियन मर भी जाए तब भी कोई बात नहीं लेकिन ऐसे ऑर्डर तो सर ऐसे ऑर्डर नहीं मिलते हैं ऑपरेशन ब्लू सर कितने सिविलियन वहां से कितने सिविलियन वहां सिचुएशन अलग है मैं मानता हूं सिचुएशन लेकिन मानता हूं लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए था ना ऑर्डर मिला नहीं कि चला दो हमने सबके ड्यूटी पे गोलियां सर कितनी जाने भी और उस गुस्से उस अपमान का नतीजा और सर उसी को 84 के दंगे सर कितने सवाल थे जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए सर और सर जिन सवालों को अपने जवाब नहीं मिलते वो फिर से उठा लेते हैं बंदूक जवाब तुम ये कहना चाहते हो कि आज पूरी दुनिया में साधनवाद की कगार पर है मैं चंद सवालों के जवाब ढूंढ रही हूं आज ही मौके पर ऐसी बात करते हो आई एम शॉक क्यों सर सिर्फ हम आर्मी में इसलिए हमसे ये सवाल पूछने का अधिकार क्यों छीन लिया जाता है सर आज इंसान की जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है सर हर देश में आतंकवाद जो सर उठा रहा है क्यों उठा रहा है क्यों सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेफ्टिनेंट हसन मुझे एक बात बताइए जिससे तो हम सहमत हो वो क्रांति हो जाती है और जिससे असहमत वो आतंकवाद विद्रोह का नाम ले लेता है अरे सर फिर विदेशियों के राज और हमारे राज में फर्क ही क्या रह गया आज का बंदूक उठाया उसे शूट कर देना मेरी ड्यूटी है लेकिन उसे ये पूछना कि उसने बंदूक क्यों उठाई ये मेरा काम नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि मैं आर्मी में हूं अरे व्हाट एम आई अ डैम किलिंग मशीन चलो सभी सभी ये क्या हो गया तुम दोनों को ये कौन सा मेडल लेके बैठ गए सॉरी सर शायद हमने ज्यादा ही बोल दिया है ऐसे मैटर पर डिस्कस ही नहीं करना चाहिए और वो भी इसी जगह पर इट्स ओके बॉयज वैसे तुम्हारी बात भी पूरी तरह गलत नहीं लेकिन एक बात मैं तुम सबको बता देना चाहता हूं कि ना ही तुम कोई किलिंग मशीन हो और ना ही किसी के हुक्म के गुलाम जरा सोचो अगर हम पे दुश्मन का हमला हो और तुम में से हर कोई अपने अफसर से सवाल पूछने लगे तो क्या होगा आज देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं भ्रष्टाचार है अराजकता है पर उन सब समस्याओं के बीच इंडियन आर्मी एक जोरदार की तरह चमक रही है क्यों क्योंकि लोगों का देश की जनता का विश्वास है इंडियन आर्मी पे आज कहीं भी दंगे हो जाए बाढ़ आ जाए और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो लोग इंडियन आर्मी को क्यों बुलाते हैं क्योंकि सबका ऐसा मानना है कि इंडियन आर्मी आई है तो सब सही हो जाएगा
और ये इज्जत, ये महान सम्मान, ये सब आपकी वजह से, आपके अनुशासन की वजह से। आप में से हर एक का इंडियन आर्मी के प्रति 100% डेडिकेशन और अपने कमांडिंग ऑफिसर के प्रति संपूर्ण विश्वास, यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, राइट सर? रिलैक्स बॉयज, रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर माइंड, वी स्टिल हैव टाइम टू सेल्फ विश्राम। सर अब सरदार हो? सर रुके, हाथ से तो पानी
शादी भी कर। बकवास मत करो। सबसे बड़ा पर बाकी शादी का है। मेरा कोई शादी नहीं है। सगी ऐसे नहीं बताएगी। हाँ नहीं बताऊंगी। लोग सब कसाई हो कसाई। हाँ। हम कसाई। इस बारे में नहीं आए। ये है वो सिलियन। चिट्ठी चाहती तुम चिंता कर रहे हो। हम लोग तुम लोगों को बचाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। नहीं नहीं आते। तुम लोग आसाम को लूटने आते हो। लूटने। हम आसाम को लूटने आते हैं। हाँ। क्या लूटा हमने तुम्हारा? क्या नहीं लूटा? हमारे जंगल, हमारा कोयला और सबसे बड़ा हमारा पेट्रोल। तो लूटने आए हो? वो तो लूट के नहीं जा रहे हो। अरे हम पे तो हमेशा से जुल्म हुआ है। ये सब बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ तुम्हारा सरकार चला रहेगा मेरी किसी की परवाह। देखा जाए तुम लोगों की भी कोई परवाह नहीं। अरे आदमी जैसे कारगिल के समय शहीदों के कॉफिन तक का घोटाला हुआ तुम्हारे ही जवानों के पास सर में पहनने के लिए सही कपड़े और मोजे तक नहीं थे। तुम हिंदुस्तानी हाँ? तुम हिंदुस्तानी जानते भी हो कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट पड़ते हैं? असम और मेघालय, इम्फाल और शिलांग कौन है? कौन किसकी राजधानी है? कोई नहीं जानता। इसलिए हम बता दीजिए हम तुम हिंदुस्तानी और क्या हिंदुस्तानी? क्या तुम हिंदुस्तानी नहीं हो? मैं असम से हूँ। और असम कहाँ है? चाइना में? असम असम में और बस असम में। मैंने तुझे बताया लोग
हमारे यहाँ भेजती है। और इस सारे कसाई तुम्हारे जन बचाने के लिए आते हैं। ये क्या? चॉकलेट है मिसाइल नहीं। ये तुम्हारी बेटी। सर मुझे तो शक है सर, ये लड़की पक्का अल्फा से मिली हुई है। मैं अल्फा से नहीं मिली हूँ और नहीं मैं अल्फा से हूँ। मगर मैं क्या? सबके ज्यादा तक लोग उन्हें सही समझते। अरे तुम लोग इन्हें आतंकवादी कहते हो ना, हम लोग उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। क्रांतिकारी थोड़े पल के लिए तुम लोगों के सीने में भी अगर आसमिस दिल आ जाए और तब तुम मेरी ये बातें सुनो, तब तुम्हारा भी कलेजा फट उठेगा। सर इसको भड़क तो मेरे समझ कीजिए। सर इसके बेटी ने बोले कि इसका बाप सोते सोते मर गया और इसका इसका कोई भाई नदी में डूब के मर गया। हाँ तो झूठ नहीं कहा उसने। एक बार अपने पिता की दवाई ले शहर से लौट रहा बारिश की वजह पानी का बहाव तेज हो नदी पार करते समय अरे तुम लोग हमारी क्या रक्षा करोगे? हाँ तुम लोग जानते भी हो कि हम हमारी जिंदगी कैसे जीते। सुनना चाहते हो? सुन सकोगे? अरे तुम्हारे आर्मी वाले लोग ले गए थे एक बार उनको शक की बुनियाद पर, कहते थे कि कुछ पूछताछ करेंगे। मैंने बहुत बार मिलने की कोशिश की पर कहते पूछताछ चल रही है, पूछताछ चल रही है। उसे इतना मारा, इतना मारा कि उसका उसका पूरा शरीर बेकार हो गया। दर्द से बचने के लिए उसने नशीली दवाई लेना शुरू कर, हर एक दिन वो दवाइयां ले गए। मुझे इसकी कहानी पूरी फिर भी लग रही है। कहानी? अरे भगवान करे तेरे घर के बाद भी मेरे आदमी और मेरे बच्चे की तरह मरे। फिर वो चुकी तुझे कैसी दी जाएगी? बोली तू क्या जबान खींच लो मेरी। अरे जा तू क्या मेरी जबान खींचेगा? हाँ वर्दी की दुआ पर उछल जाओ तू बक साले। और तेरे सीने में कुछ सच्चाई भी है? जब मैं बेहोश थी तुमके सर मेरे बदन को टटर रहा था। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही, मुझे होश था। मेरे बच्चे की जान के डर और शर्म की वजह से वो कुछ नहीं बोली। तूने ऐसा किया? ऐसा किया तूने? खबरदार सर, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मुझे हाथ नहीं लगा सकता साले? तो जैसे 100% पूरी पॉस बनना है। बहुत हो गया सर। हल्की भी पॉस तो हमें बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या सुनती क्या की वजह से आप मुझे मेरे घर छोड़ोगे? राधी तेरी इस हरकत की कमरे राहत तो आने करूंगा राहत सीट उठ तेरा कोर्ट मार्शल हो पर हराम जाती तुझे तो मैं देख लूंगा जान ले लूंगा मैं तुझे। Thank you.
Sir,
रायपुर कैप्टन सत्येंद्र कंग सुविधा शरद मुखोपाध्याय को भारत सरकार ने मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया क्योंकि इन्होंने अपनी जान निछावर करके कैप्टन सूर्य प्रकाश कृष्णन लेफ्टिनेंट अता हसनैन एक आसामी महिला और उसकी बच्ची की जान बचाई। भारतीय सेना इन तीनों के परिवारों की हमेशा आभारी रहेगी। जिस जगह पर उन तीनों ने अपने प्राण त्यागे थे भारतीय सेना ने उस जगह का नाम शहीद पहाड़ी रख दिया। पर ऐसे न जाने कितने मिशन में हजारों सेना के जवान शहीद हुए हैं, हो रहे हैं और न जाने कब तक होते रहेंगे।